What's up, Stress Fam? Hello and welcome to today's episode of Fix Scratch by Sex. Yes, that's right. And today we'll be listening to Pomfret Fry by Karma. Now, pomfret is a sea fish. Okay? Mic ठीक करने दो. इतने time से नहीं किया वो mic वाइक सब सही जगह पे भी नहीं है अजीब-अजीब जगह पे. Yeah. So सब बताता हूँ. सबसे पहले important चीजों को address करते हैं. Pomfret is a sea fish which I like to eat. And usually जो sea coast जहाँ होता है जहाँ पे beaches होते हैं वहाँ पे pomfret को fry करके खाया जाता है तंदूर बना के खाया जाता है और बढ़िया होता है खाने में ठीक है अब बढ़िया तो होता है अब इसके साथ कर्मा का क्या लेना देना है ये मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा बाकी सबके वीडियोस देख के नहीं करते इंतजार मेरे लिए चलो कोई बात नहीं हाँ अब मैं क्या कर रहा था ठीक है नंबर वन मेरे को फिर से बुखार आ गया 5 दिन हो गए अब जाके आज थोड़ा ठीक हूँ सो अब दिमाग मेरा सठिया गया है जिसको बोलते हैं सठिया गया है सब चेक करेंगे एक साइड से सारे गाने चेक करेंगे जो भी मिस किया भाई मैंने फ़ोन में लिस्ट बना लिया है सारा कवर करेंगे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ठीक है स्टार्टिंग विद pomfret fry ऑल्सो On the 23rd of July, I'll be doing my first gig. I'll be performing my original songs. कुछ लोग हैं पूछ रहे भैया आप लाइव आके आप लाइव परफॉर्मेंस पे क्या लाइव रिएक्शन करोगे नहीं ब्रो you are missing out on shit. So yeah, I'll be performing my original songs on the 23rd of July at Kolkata. बाकी तुम्हें अगर टिकट्स लेने हैं और गिग का कुछ भी डिटेल्स तुमको चाहिए I'll put the link in the description and also in the comments. You can go and check it out. अगर आप कोलकाता से हो You can get tickets right now. Offer वॉफर जो भी है चल रहा है you'll find it out over there या फिर Instagram पे follow करो सारे details तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है Moving on with the video headphone लगाते हैं और pomfret fry सुनते हैं भाई Without further ado we are jumping straight into it. This is Fix Scratch by Sex and we are listening to pomfret fry by Karma from Kalamkar. Let's get it. सब सुन लूँगा भाई आज मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या हो गया कैश पड़ा कुछ कैश ब्रो कैश तो नहीं पड़ा होगा यूपीआई दूसरा इनसे बोलो गूगल पे कर रहा गूगल पे नहीं टू मेनी फिश इन द सी हम खा रहे pomfret fry कर रहे बंदे साइड सीन इज सॉर्टेड बाय कौन है बेस्ट इन द सीन कर रहा कंटेंट साइड इनमें नहीं है वाइब इनको कौन बताए सबसे पहले फक ऑफ जिन्हें था डाउट जिन्हें लगा स्कोप नहीं है दे भी लूजिंग मी नाउ भाई लोग ट्रैक सुने बोले वाओ टेक अ बाव कई साल से गेम में वेयर द फक यू नाउ गॉट करे को कर्मा की तरह साउंड डोंट कॉल हिम कॉपी cause I'll be proud and spat down head to mouth not to south जो भी करे मेरा नाम just do it out loud cause लिखा है lyrically okay so too many fish in the sea हम खा रहे हैं pomfret fry that's the hook too many fish in the sea कहा जाता है कि अभी इस सीन में बहुत लोग हैं Suppose you are a painter और बहुत सारे painters आ रहे हैं आजकल so you'll be like too many fish in the sea I've got too many options it's like बहुत rappers आ रहे हैं आजकल but हम खा रहे हैं pomfret fry So too many fish in the sea, or we are you know choosing the specific ones out and having them. और इनमें vibe नहीं है इनको कौन बताए so that's the hook. And then it's like यार मेरे से लोग sound copy कर रहे हैं और मेरा sound उनमें आ जा रहा है so मेरे fans उनको जाके बोलते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हो ये and he's like don't worry about it I'm just proud कि you know I'll be their father and they're my sons and something like that. I get the vibe of it. Okay. Spat down head to mouth not to south जो भी करे मेरा नाम just do it out loud cause लिखा है lyrically सारे punches मेरे heart तभी मैं lyrically हूँ lyric अली you might get knocked out सभी को चाहिए Okay लिखा है मैंने lyric कल ही lyrics मैंने कल ही लिखे हैं तभी मैंने lyrically क्या and मैं lyrics का अली हूँ मोहम्मद अली so I'll knock you the fuck out okay not to south जो भी करे मेरा नाम just do it out loud cause लिखा है lyrically सारे punches मेरे hard तभी मैं lyrically हूँ सारे punch lines मेरे hard है punches जो boxing में होता है so मोहम्मद अली के साथ वो भी link हो रहा है lyric अली you might get knocked out सभी को चाहिए beef तो ले लो और also वो bell का sound जो boxing ring में use होता है वो भी पीछे था सही get knocked out सभी को चाहिए beef तो ले लो अभी I'm waiting for all the clout ये छपरी भी बन रहे कवि पर टैलेंट से अजनबी बना रहा था ट्रिपल एच में मैं बैठा था अपने ही जोन में ये लौंडे गए ज्यादा उछल तो दिखाना पड़ा कि कौन में क्या ट्रिपल एच बैठा था ट्रिपल एच में बना रहा था ट्रिपल एच। क्या ये कोई ट्रैक है या रेसलर की बात हो रही है? अगर ये कोई रीसेंट न्यूज के साथ कुछ लिंक है यार देसी पॉप में, जस्ट आई एम जस्ट आउट ऑफ द सीन फोकसिंग ऑन माय स्टफ सो आई डोंट नो। इज ही टॉकिंग अबाउट द रेसलर ट्रिपल एच या फिर आई डोंट नो बना रहा था ट्रिपल एच मैं बैठा। इज इट अ ट्रैक और एन एल्बम और अपने जोन में ये लौंडे गए ज्यादा उछल तो दिखाना पड़ा कि कौन में। वेल आई एम अ हार्ट ब्रेक किड विद द माइक बट नहीं न्यू शॉन में। हार्ड अगेन रेसलिंग रेफरेंस, आई थिंक वो ट्रिपल एच वाला रेसलिंग का ही रेफरेंस होगा। सो ही इज लाइक शॉन माइकल्स का रेफरेंस, आई एम अ हार्ट ब्रेक किड द माइक बट नहीं न्यू शॉन में बैठा था मौन में या बट यू डोंट वांट दैट। I mean why don't you act like a grown man and why do you act like a clown man? Up con man pucha con man pyar hate dono mile down man not now but I will count them wah kare londe songs man inke aansu puchu with my Johnson and Johnson come on man now inke aansu puchu main apne Johnson se another name for a dick ab tak I think I'm not really feeling the track, I can't lie, not really feeling the track but that's just me There's just me. I got a lot of songs man ke aansu poocho with my Johnson and Johnson come on man now too many fish in the sea hum kha rahe pomfret fry yo kar rahe bande side yo scene is sorted by yo kaun hai best in the scene ye kar raha kaun decide inme nahi hai vibe inko kaun bataye banners pe banners hai streams pe streams tabhi nahi talk of the street kahin nahi bad raha hai tera sangeet kahin nahi ban raha tu biggest koi nahi change kar raha scene saalon ko nahi hai tamizz ek thi uski bhi baatein ajeeb main raja banana tha rani par usko to princess hona tha treat ab kaun bane biggie chot to di chot bina load liye alag what the I just don't dig the cadence and the I like यार कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे ब्रो तुम्हें बार्स समझ नहीं आ रहे इसलिए तुम्हें मजे नहीं आ रहे। आई स्वेयर दैट्स नॉट द फैक्ट। बार्स के पहले ही मैं फंस रहा हूँ, जो पंच लाइन्स है जो भी है उसको सुनने के पहले, उस पर दिमाग लगाने के पहले तुम फील करोगे ना चीज़ को, फिर जाके सुनोगे चीज़ को। सो वो मेरे को थोड़ा कर रहा है बट ऑल्सो दिस बार वियर्ड एज हेल। ऑल्सो ही वाज लाइक एक ही था सीन में फिर वो राजा रानी वाला कुछ आ गया ब्रो। कहीं नहीं बन रहा तू बिगेस्ट कोई नहीं चेंज कर रहा सीन सालों को नहीं है तमीज एक थी उसकी भी बातें अजीब में। सालों को नहीं है तमीज एक थी और उसकी भी बातें अजीब। हु इज ही टॉकिंग अबाउट? राजा बनाना था रानी पर उसको तो प्रिंसेस होना था ट्रीट अब कौन बने बिग। मैं राजा उसको बनाना था मुझे रानी पर उसे प्रिंसेस जैसा होना था ट्रीट, मतलब राजा की बेटी। अब फिर कौन बने बेटी चोर? मुझे नहीं बनना बेटी चोर, सो फिर नहीं हो पाएगा ये। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग नॉट मी, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग आई गेट इट। नहीं पर उसको तो प्रिंसेस होना था ट्रीट अब कौन बने बेटी चोर तो दी छोड़ बिना लोड लिए अलग किए रास्ते बेटी छोड़ तो दी छोड़ बिना लोड। आई गेट आई अंडरस्टैंड द राइम्स इट्स ओके बट स्टिल यहां हिट नहीं कर रहा भाई यार। और मेरी छोड़ तेरी दोस्त मेरी होश तेरी दोस्त मेरे साथ में और तेरी सोच मेरी सोच में फर्क है तभी ग्रोथ मेरे नाम में तू रहना औकात में ये ले रहा मजाक में मैं जानता हूँ तेरा फॉर्मूला इन्हें पैसे कमाने हैं लाख दो लाख तुमसे नहीं अपने ताल्लुकात जापाजी के जाके आलू चाट और फीचर ले उसके काम का सर पे तू कीचड़ ले पर खेलेगा नहीं तू लॉफ कर्मा समझ जबरो जो भी करेगा वो मिलेगा यही अपनी सारी गाड़ी ऑटो की पे है तुम। So his name is Karma, it's like क्या लॉफ कर्मा समझ ले जो ही जो देगा वो जाके तेरे पास वाह। But be very honest with me. Are you guys feeling this track? Man, I hate saying this, man. I swear, मतलब shit, man. ये mixed emotions. I don't know what to say. I do not like saying this, यार, because एक track के पीछे इतना सारा effort जाता है and ना ही you know किसी artist ने ये हमें मतलब किसी artist को ये लायबिलिटी भी नहीं है कि वो हर ट्रैक एक ही टाइप का दे या हर ट्रैक एकदम सेम लेवल के क्वालिटी का दे। सो उसको कर्मा को जो मर्जी वो कर रहा है ब्रो एंड वी आर नोबडी टू से इट, वी आर जस्ट लिसनर्स लिसनिंग एंड गिविंग आवर ओपिनियंस। जो भाई ने पूछा भी नहीं है आई गेट इट बट जस्ट एज लिसनर्स, मतलब उस जगह पे बात ही नहीं कर रहे हम, आपस में बात कर रहे हैं। जस्ट फील लाइक मतलब वो हिट नहीं कर रहा समवेयर मेरे को थोड़ा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या तुम लोगों को सेम फीलिंग आया है गाने से yeah, it's just me. If it's just me, maybe I'll try to listen to it once again and see कि यार maybe शायद अभी मैं उस zone में नहीं हूँ, बाद में सुन के मजा आएगा. But मतलब 90% I'm convinced कि वो नहीं होने वाला है. मैं फिर से आके सुनूंगा ना, it'll be the same feeling. And I'm just trying to understand if you guys felt the same way or not. यार it's fuck. वो मिलेगा यही अपनी सारी गाड़ी ऑटो कीप पे है. तुम शो पे हो रेट चीप है. तुम शो पे हो रेट चीप है. या सो जो भी करेगा वो मिलेगा यही अपनी सारी गाड़ी ऑटो कीप पे है. तुम शो पे हो रेट चीप है. तू स्विच है ये बात स्वीट पे है. तू बिच है और जुड़ो हीट पे है. बट दैट टिकट फ्री बिल्कुल जेनरिक टाइप. डीएम में करती स्लाइड. मैं करता दिल की बात. वो बोलती तू अल्फा सिग्मा टाइप. मैं बोलता लिव माय लाइफ. वो बोलती वन लास्ट टाइम. मैं बोलता टू मैनी फिश इन द सी. हम खा रहे पॉम्फ्रेट फ्राई. कर रहे बंदे साइड. सीन है सॉर्टेड भाई. कौन है बेस्ट इन द सीन. कर रहा कौन डिसाइड. इनमें नहीं है वाइब. इनको कौन बताए. Okay, wait. Woo! So बहुत ज़्यादा drums driven, पूरा जो instrumental है, it is drums driven. So you know, ऐसे track पे I think because बहुत ज़्यादा percussion है and like the percussions are leading the instrumental. I am talking to the you know music enthusiasts right now. बाकी जो यार वो you know who I'm talking to. So तुम्हारे लिए है बातें. So ये percussion driven instrumental है, ठीक है, जिसमें you know the drums जो है वो lead करते हैं और जो instruments हैं और जो melodies हैं वो background में काम करता है. So ऐसे चीज़ों पे ना I think what usually works is when you come up with weird flows, you know, new cadences, new flows, something like, you know, for example, something like Seedhe Maut or J.I.D. So what J.I.D. does or what Seedhe Maut they do with their, you know, cadences or flows, it's almost like percussive. Matlab, it's like they're finding pockets and I don't know how to explain this, but yeah, you'll get it. So it's almost like percussion on the beat. It's मतलब जो vocals है ना उनमें से मतलब जो lyrics है उनमें से अगर तुम meaning हटा दो और बस gibberish बोलो ना, it'll sound like एक और percussive instrument या कुछ snare या hat या फिर तबला बज रहा है. So it's like percussion on the whole thing. So because ये instrumental बहुत ज़्यादा you know drums driven था, मेरे को लगता है अगर verses में और थोड़ा you know Karma with his unique flows and rhyme schemes and वो वाला अगर थोड़ा flow switch रहता maybe मेरे को और ज़्यादा interesting लगता. पूरा होने के बाद जब आखिरी बार hook आया ना, मेरे को लगा कि यार जो hook है I'm feeling the hook, like there's a bounce to it, like there's this whole you know Da Baby vibe with the whole वो जो भी vibe create हुआ है hook में. But because hook के साथ verses का flow उतना change नहीं हुआ, it was like this whole पूरा एक चीज लगा मेरे को, like there was this monotony going on in this whole track. तो वो मेरे को शायद थोड़ा after a point I was like कुछ change चाहिए यार, कुछ थोड़ा similar लग रहा है. Man again bro, I heart to heart I hate saying these things, I feel it, but again यार मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान है. I'm just listening to the track and you know giving my opinions, but जो artist होता है he's doing his own work and putting so much effort into it. फिर जाके इतना काम करने के बाद he's putting the track out. I would just like to clarify and say कि यार I'm not saying that the track is good or bad या कुछ. वो बोलने वाला मैं कोई नहीं हूँ. As a listener among the millions of listeners, I am another listener. I am just giving my opinion and this is what I want. एक कोई और listener होगा वो बोलेगा कि यार अगर अलग फ्लोर्स ट्राई करता है इसमें कर्मा, ही'd be like यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, वाइब नहीं हुआ, मैं फिट नहीं कर पाया जोन के साथ, कुछ सिमिलर सा रहता तो मैं वाइब कर पाता. यू गेट इट. सो एवरी लिसनर डिफरेंट ओपिनियन. सो आई जस्ट डोंट वांट कि कोई फैन रहे. और भाई इफ़ एनी चांस इफ़ कर्मा इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, you know, I wouldn't want कि ये किसी तरीके से आपके आर्ट को अफेक्ट करे या फिर जो फैंस हैं उनके उनको अफेक्ट करे, because I'm just another listener giving my opinions and I'm just out here listening to art and I'm trying to understand and learn and मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं वो शेयर करके तुम लोग भी कुछ सीख पाओ, जो आर्टिस्ट है वहाँ पे कुछ ले जा पाए, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ ले जा पाए and you know implement that in their lives. That is like the whole point of it. But again, I cannot be dishonest when I'm sitting over here. So मेरे को जो लगा यार मैंने बोल दिया. Again, अगर शायद मैं ये वीडियो कल बनाऊँ मैं कुछ और बोलता, परसों बनाता कुछ और बोलता. So right now this is what I feel. I just want to know your opinions or what you think. क्या तुम्हें same vibes आ रहे थे ट्रैक के साथ? And all of it. Just let me know. I'm a little confused right now. But I think the hook was good. The hook was good. The drums were very evil cinematic, कुछ ऐसा कुछ वाइब था जब एंड हुआ, जब लास्ट में ड्रम्स मेरे को मतलब इंस्ट्रूमेंटल जब सुनाई दे रहा था, देयर वर लिटिल चैंट्स एंड ऑल ऑफ दैट गोइंग ऑन इन द ड्रम्स. सो या दैट वाज कूल, दैट वाज कूल, दैट इज प्रीटी मच व्हाट आई थिंक अबाउट द ट्रैक. आप लोग बताओ तुम्हें क्या लगा. एंड लाइक आई सेड, इफ यू हैव नॉट लिसन टू माई ट्रैक्स यू कैन गो एंड लिसन टू माई ट्रैक्स ऑन माई चैनल या फिर स्पॉटीफाई एप्पल म्यूजिक पे जाके सुन सकते हो. नीचे लिंक है मेरे गिग का. इफ़ यू आर इन कोलकाता, फिर इन अराउंड कोलकाता, अराउंड 23rd July, यू कैन कम एंड अटेंड द गिग. वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट. इट्स योर बॉय फिक्स स्क्रैच एंड आई एम आउट. Can you क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ. Hey.